अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरियार एंड वी आर हियर विद द फर्स्ट लुक रिव्यू ऑफ चेरी टेगो 8 प्रो। सबसे पहले अगर इसकी हम एक्सटीरियर की बात करें तो इसके अंदर एक बहुत ही बल्की डिज़ाइन में इसकी फ्रंट रेडिएटर ग्रिल है जो डायमंड कट का उसमें इस्तेमाल किया गया है, साथ उसके लाइनिंग जो है वो पियानो ब्लैक में है। उसके बाद अगर इसके हम हेडलैम्प्स की बात करें जो कि एक बहुत ही खूबसूरत हैं, उसके अंदर जो है डबल ब्लेड उसका LED DRLs हैं, उसके अलावा LED हेडलैम्प्स भी इसके अंदर दिए गए हैं जो जिसका ऑटो फंक्शन है जो कि ऑटो एडजस्ट होते हैं। उसके बाद अगर इसके बॉटम पे आएँ तो यहाँ पे क्रोम और पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है और इसी तरह इसके नीचे डिफ्यूज़र है और डिफ्यूज़र के अंदर सिल्वर लाइनिंग का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे अगर सेंटर में देखें तो चेरी का यहाँ पे लोगो दिया गया है और उसके साथ साथ नीचे इसके कैमरा भी है। और अगर सबसे नीचे देखा जाए तो यहाँ पर चेरी ने एडास दिया है जो कि इसके सेफ्टी फंक्शनैलिटी सारी हैंडल करती है। इसके बाद अब हम अगर इसके साइड प्रोफाइल के ऊपर आएँ तो साइड प्रोफाइल के ऊपर सबसे पहले नोटिसेबल जो चीज़ है वो इसके टायर्स हैं जो कि 235/55R18 साइज़ के साथ हैं और जिसके साथ 18-inch alloy rims दिए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत उसके लुक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो नोटिस में आती है वो यहाँ पे एक बैजिंग आती है जो इसकी टर्बो GDI की है और उसके साथ साथ नीचे इसके देखा जाए तो एक प्लेट दी गई है सिल्वर में जो कि बहुत ही इसको खूबसूरत लुक दे रही है और उसके ऊपर ही क्रोम मोल्डिंग का इस्तेमाल किया गया है। अगर ऊपर वाली साइड पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटीरियर मिरर्स हैं इसके जिसके अंदर टर्न सिग्नल्स इंटीग्रेटेड हैं। यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग दी गई है जो कि एक सेफ्टी फंक्शन है और इसी के साथ साथ अगर इसके बॉटम पे देखें तो यहाँ पे एक साइड मिरर्स की वेलकमिंग लाइट भी मौजूद है। उसके बाद अगर पूरी बॉडी को इसको देखा जाए तो इसके अंदर एक एरोडायनामिकली बड़ी एक खूबसूरत यहाँ पे लाइनिंग दी गई है, एक बॉटम पे रन करती है, एक सेंटर में और एक टॉप पे उसी तरह। और उसी के साथ साथ इसके जो डोर हैंडल्स हैं दोज आर बॉडी कलर्ड जो कि इसको काफ़ी एक अच्छी लुक दे रहे हैं। इफ़ यू कम टू द रियर साइड ऑफ चेरी टेगो 8 प्रो, सबसे पहले जो एक नोटिसेबल इसकी चीज़ है वो इसके बैक लैम्प्स हैं, ब्रेक लैम्प्स हैं जो कि LED हैं जो कि इसको बहुत ही एक प्रीमियम लुक देते हैं। उसी के साथ इसके सिक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स हैं। उसके साथ अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास एक बोनलेस वाइपर मिल जाता है रियर स्क्रीन का और उसी के ऊपर एक इसका स्पॉयलर प्रोवाइडेड है जिसके साथ साथ हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प LED है। उसी के साथ अगर थोड़ा सा ऊपर देखें तो शार्क फिन एंटीना भी प्रोवाइडेड है। उसके बाद अगर नीचे हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हमारे पास चेरी की बैजिंग मौजूद है और उसी के बिल्कुल नीचे हमारे पास रियर कैमरा भी यहाँ पे मौजूद है। और अगर थोड़े से नीचे वाली साइड पे आएँ तो यहाँ पे टेगो 8 प्रो की बैजिंग है जिसमें प्रो को काफ़ी हाईलाइटेड किया गया है। और इसी तरह इसके राइट साइड पर अगर बैजिंग देखें तो यहाँ पर 290T मैंशनड है और जो बेसिकली डिफाइन करता है इसके टॉर्क फिगर्स को बिकॉज दिस कार प्रोड्यूसेस 290 Nm ऑफ टॉर्क। इसी तरह अगर थोड़ा सा इसमें नीचे आएँ तो यहाँ पे इसके पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, रियर पार्किंग सेंसर्स हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी गिवन है और उससे भी हम नीचे देखें तो यहाँ पे एक हनीकॉम ग्रिल दी गई है। उसी के साथ साथ नीचे सिल्वर इसका डिफ्यूज़र है जो कि इसको काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है और उसको मज़ीद कॉम्प्लीमेंट जो करती है चीज़ वो इसका डुअल एग्जॉस्ट गिवन है जो कि बिल्कुल रियल है। अब अगर हम इसके बूट की बात करें तो बूट के अंदर दो फंक्शनैलिटीज़ हैं। सबसे पहली तो ये है कि इसकी की सेंसिंग बूट है जो कि अगर आपके पास कीज़ आपके पास पॉकेट में पड़ी हुई हैं तो अगर आप ऑटोमेटिकली इसके यहाँ पे आके खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका बूट ओपन हो जाता है। वो इसलिए है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लगेज हो और आप यहाँ पर आके खड़े हैं तो आपके हैंड्स फ्री नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बूट ओपन हो जाता है। सेकेंड जो ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पर इसका एक बटन है, उसको हम यहाँ से पुश करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अब अगर इसके अंदर आके हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे एक इसका डिवाइडर दिया गया है और उसके नीचे हमारे पास टूल किट मिल जाती है इसकी। अब हम इसके थर्ड रो में एंटर होते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसकी एंट्री कितनी आसान है या मुश्किल है और फिर चेक करते हैं। सेकंड रो से एंट्री करते हैं। इसके जो सेकेंड रो है सबसे पहले तो ये स्लाइड हो जाती है सीट और यहाँ से टिल्ट हो जाती है
और यहाँ से एंट्री की जगह बन जाती है। थर्ड रो के अंदर इस वक्त अब मैं बैठ चुका हूँ, और इस वक्त यहाँ पे अगर सीटिंग लेग रूम मेरा देखा जाए तो इस वक्त मैंने जो सेकंड रो है उसकी सीट्स बिल्कुल बैक पे की हुई हैं जितनी मैक्सिमम हो सकती हैं, और रिक्लाइंड भी हैं, और इस वक्त मेरी जो यहाँ पे लेग रूम है वो ऑलमोस्ट पूरा पूरा है। उसके बाद अगर हेड रूम इसका देखें तो मेरे तकरीबन यहाँ पे सर पूरा पूरा है, एंड आई एम 5'10", तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी एडजस्टमेंट हो सकती है। उसके बाद अगर इसके सीटिंग पोस्चर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोस्चर है, और अगर यहाँ पे ये हमारे पास सेपरेट इसके हेड रेस्ट्रेंट दिए गए हैं जिसको एडजस्ट भी आप कर सकते हैं। मेरी हाइट के मुताबिक मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है और अब मेरे लिए काफ़ी कम्फर्टेबल यहाँ पर सीटिंग पोस्चर बन चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर 2 persons बैठ सकते हैं एडल्ट्स एक शॉर्टर जर्नी के लिए, लेकिन अगर आपने लॉन्गर जर्नी पर जाना है तो बच्चे अकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन बड़ों के लिए मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर। और इसके अलावा अगर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की हम बात करें यहाँ पे तो कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक रूम लैंप गिवन है हमारे पास जो कि एक रीडिंग लैंप है। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी है वो इसके थर्ड रो के अंदर एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड की गई है जिसको आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ैन की स्पीड भी यहाँ से उसकी एडजस्ट हो सकती है, एक वेंट मेरे यहाँ राइट साइड पर है, इसी तरह एक मेरे लेफ्ट साइड पर है, और यहाँ पे हमारे पास एक कप होल्डर की स्पेस है, और थोड़ी सी यहाँ पे ट्रे गिवन है, कोई भी आप छोटी मोटी चीज़ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड रो से यहाँ से जो एग्ज़िट है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, और अगर हम इसको पहले सीट सेकंड रो की सीट्स ऊपर करें तो यहाँ पे एक नोटिसेबल चीज़ ये है कि यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर्स भी दिए गए हैं जो इस साइड पर भी है और सेकंड रो की सीट के उस साइड पर भी है। अब इसका जो स्प्लिट रेशियो है दैट इज़ 60-40, लाइक दिस वन इज़ 60 एंड दी अदर वन इज़ 40, तो इसको अब हम वापस करते हैं या इस तरह स्लाइड हम पीछे इसको कर देते हैं। अब सेकेंड रो में बैठ के काफ़ी कम्फर्टेबल इसका सीटिंग पोस्चर है, थर्ड रो से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है सेकंड रो में पोस्चर। और सबसे पहले अगर एक नोटिसेबल यहाँ पे हमारे पास डोर है जिसके अंदर ब्लैक एक टेक्सचर्ड सिल्वर और उसके साथ साथ ब्राउन लेदर की यहाँ पे हमें कलर्स गिवन है। उसके साथ साथ आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे पावर विंडो का इसका बटन है, और उसी के अलावा ऊपर हमारे यहाँ पे डोर ओपनिंग हैंडल है जो कि सिल्वर में प्रोवाइडेड है, और इसी तरह अगर स्टोरेज स्पेस के हवाले से भी यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है, और यहाँ पे हम एक बॉटल होल्डर भी हमारे पास मौजूद है, कप यहाँ पे नहीं आ सकता लेकिन बॉटल होल्डर मौजूद है। उसी के साथ साथ डोर में इसके यहाँ पे स्पीकर्स गिवन है। अब यहाँ पे लेग रूम की अगर हम देखें तो लेग रूम यहाँ पे इनफ है फॉर समवन लाइक मी, ये कंफर्टेबल है क्योंकि इस वक्त जो फ्रंट सीट है पैसेंजर सीट वो बिल्कुल स्लाइडर के तौर स्लाइडर टोटल बैक साइड पे किया हुआ है, तो एज सच यहाँ पे कोई कंफर्टेबल उसमें इशू नहीं आ रहा। अगर इसको थोड़ा सा हम आगे स्लाइड करें तो ये बिल्कुल यहाँ पे इजी मेरे लिए वे आउट बन गया। और अगर यहाँ पे इसकी बैक साइड पर देखें तो यहाँ पे एक मैप पॉकेट भी प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा अगर मैं ऊपर देखूँ तो कंसिडरेबल मेरे पास हेडरूम है जो कि आई थिंक अगर कोई 6 feet भी हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और उसके अलावा हमारे पास अगर हम यहाँ पे सेकंड पैसेंजर के तौर पे सेंटर में मूव हों, क्योंकि इसका तकरीबन फ्लैट बेड ही है तो यहाँ पे सीटिंग में कोई मसला नहीं आता, लाइक कंफर्टेबल है लेकिन शॉर्टर जर्नी के लिए, लेकिन अगर आपने लॉन्गर में जाना है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है बट इट इज़ गुड इनफ। अब अगर मैं ये यहाँ पर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर आर्मरेस्ट भी है जिसके साथ साथ 2 यहाँ पर हमारे पास कप होल्डर्स भी मौजूद हैं और जिसकी काफ़ी विड्थ अच्छी है। यहाँ पे हमारे पास एसी वेंट्स मौजूद हैं जो कि काफ़ी एक प्रीमियम लुक देते हैं जो इसकी सिल्वर लाइनिंग प्रोवाइडेड है, और इसी के साथ साथ नीचे हमें एक यूएसबी चार्जिंग केबल के लिए भी स्पेस दी गई है। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे दिखाऊँ तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है जिसमें कोई भी छोटी मोटी चीज़ रखी जा सकती है। उसके अलावा अगर हम कैबिन की बात करें, कैबिन में हमारे पास यहाँ पे लाइटिंग रीडिंग लाइट्स हैं, यहाँ पे भी है, दूसरी साइड पे भी मौजूद है, और यहाँ पे हुक्स हैं कोई भी चीज़ हैंग करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी तरह ड्राइवर साइड पे भी यहाँ पे बैक साइड पे मैप पॉकेट्स मौजूद हैं। और ओवरऑल अगर इसमें फील की बात की जाए बैठ के तो दैट इज़ वेरी कम्फर्टेबल, सीट्स आर वेरी कम्फर्टेबल और कोई एज सच यहाँ पे इशू फेस नहीं करना पड़ता। ड्राइवर सीट के अंदर बैठ के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले कीलेस एंट्री है जो कि अगर आपकी कीज़ आपकी पॉकेट में है तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से अनलॉक हो जाता है डोर और आप अंदर इजीली एंटर हो सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अगर हम डोर पे देखें तो हमारे पास सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं, और इसके अंदर सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि खाली ड्राइवर सीट का ऑटो नहीं है पावर विंडोज़, बल्कि चारों पावर विंडोज़ हैं इसकी ऑटो में ऑटोमेटिकली।
और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल्स आ जाते हैं साइड व्यू मिरर्स के, जो एडजस्टेबल भी हैं और रिट्रैक्टेबल भी हैं। और उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक अनलॉक और लॉक का बटन आ जाता है, जिससे तमाम दरवाजे लॉक हो जाते हैं। अब इसमें एंटर होकर देखते हैं कि इसका एंट्री और एग्जिट किस तरह का है। एंटर होने से पहले यहाँ पे एक स्किड प्लेट है, जिसके अंदर एक बड़ी वेलकमिंग लाइट है, जिसके अंदर टिगो मेंशनड है वाइट कलर की लाइट के साथ। अब हम गाड़ी के अंदर आके बैठ चुके हैं और सबसे पहले तो आपको बड़ी एक वेलकमिंग फील आती है, बहुत ही ब्रॉडर एक फील आती है गाड़ी के इंटीरियर को देख के। और सबसे पहले आपको जो कंफर्ट लेवल आप देखते हैं, तो एक इसकी बकेट सीट्स हैं जो कि बड़ी कंफर्टेबल हैं। और अगर मेरे यहाँ राइट साइड पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि इसकी सीट एडजस्टमेंट है। और अगर हम इसको पुश करके देखें कि हमारे पास सीट की एडजस्टेबिलिटी आ गई है। इसी तरह हम इसको बैक साइड पे कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। इसी तरह अगर इसकी हाइट एडजस्टमेंट आपने करनी है तो वो भी यहाँ से हो जाती है और इसकी टिल्ट फंक्शन भी ऑपरेट हो जाता है। तो ओवरऑल जो ड्राइवर सीट है दैट इज़ 6-way पावर्ड, और इसी तरह पैसेंजर जो साइड है दैट इज़ 4-way पावर्ड। और उसके साथ साथ इस सीट में लंबर सपोर्ट भी मिल जाती है और ओवरऑल इसकी एक बड़ी ही कंफर्टेबल लुक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे और भी एक कंट्रोल्स हैं, जहाँ पे एक M लिखा है, एक 1 है और एक 2 है। ये बेसिकली मेमोरी इसका फंक्शन है सीट का। अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली सीट को एडजस्ट करना चाहता हूँ तो उन्हीं सेटिंग्स को एडजस्टेबल, उसकी चाहे टिल्ट हो चाहे उसकी हाइट एडजस्टमेंट हो, उसको मैं सेव कर सकता हूँ 1 और 2 पे। दो हमारे पास प्रीसेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको ऑटोमेटिकली अगर मैं गाड़ी में आके बैठता हूँ तो मैं अगर 1 पे सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी प्रीसेट सेटिंग्स ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके उसी पोस्चर के अंदर मुझे गाड़ी में ले आएगा। ये खासतौर पर उस वक्त ज़रूरी है जब आपकी फैमिली में 2-3 लोग इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से अपनी प्रीसेट सेटिंग्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास हेडलाइट एडजस्टर है जो कि हेडलाइट की एडजस्टमेंट कर देता है। हमारे पास 3 तक इसके अंदर कंट्रोल्स हैं। और उसी के साथ साथ हमारे पास ये बूट का यहाँ पे एक बटन है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हिल डिसेंट का सेफ्टी फीचर मौजूद है। इस वक्त मैं ड्राइवर सीट पे मौजूद हूँ चेरी टिगो 8 प्रो के, और मेरे पास इसकी की है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, पियानो ब्लैक कलर में और सिल्वर लाइनिंग के साथ है, बड़ी एक प्रीमियम फील देती है। और इसके ऊपर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, एक अनलॉक लॉक की है, एक हमारे पास टेल गेट का बटन है, और तीसरा हमारे पास रिमोट इंजन स्टार्ट है इसका, जो कि PEPS कहलाया जाता है, जो कि हम गाड़ी के अगर करीब आएँ बाहर तो ऑटोमेटिकली हम वहाँ से भी इंजन स्टार्ट कर सकते हैं बाहर खड़े होके भी। उसके बाद अब की हमारे क्योंकि पास है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है पुश स्टार्ट इसका, तो आएँ चेक करते हैं। गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल भी कोई नॉइजी ऐसी नहीं है एज सच, और एक बड़ी वेलकमिंग फील आती है। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है इसका बहुत ही एक वेलकमिंग फील देता है, और इसका जो हमारे पास स्टेयरिंग है वो बहुत ही कंफर्टेबल एक हाइट के ऊपर है और काफ़ी सॉफ्ट फील है उसकी। और अगर सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो इसके ऊपर लेदर है, लेदर स्ट्रेच्ड है ये, और इसकी एडजस्टेबिलिटी देखें तो ये टेलीस्कोपिक भी एडजस्टेबल है और टिल्ट एडजस्टेबिलिटी भी इसमें मौजूद है। उसी के साथ साथ इसके ऊपर हमारे पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम के मिल जाते हैं बटन्स, वॉइस रिकग्निशन मिल जाती है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल के डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर हम इसके सेंटर कंसोल पे आएँ तो काफ़ी इसमें प्रीमियम लुक दी गई है, जो कि पियानो ब्लैक है ओवरऑल। यहाँ पर हमारे पास गियर शिफ्ट नॉब है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्टिंग है इसकी। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन है, उसी के नीचे बिल्कुल ऑटो होल्ड गिवन है, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मोबाइल होल्डर दिया गया है जिसके अंदर काफ़ी मैट फिनिश है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास 2 कप होल्डर्स हैं जिसमें इजीली हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं, और सेंटर में इसका आर्मरेस्ट है जो कि लेदर स्ट्रिच्ड है। और इसके अगर अंदर हम देखें तो हमारे पास 2 चार्जिंग स्लॉट्स अवेलेबल हैं, और इस सेंटर आर्मरेस्ट की सबसे खूब ज़्यादा जो खासियत है वो ये है कि इसमें कूलिंग फंक्शन भी मौजूद है। उसके बाद ये एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का यहाँ पे एक पैनल हमारे पास मौजूद है। नॉर्मली एक इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, लेकिन इसके अंदर कंपनी ने प्रोवाइड किया एक टच पैनल, 8 इंचेस टच एसी पैनल है, जहाँ से आप सारे फंक्शंस एसी के ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें टच के थ्रू भी हम कंट्रोल कर सकते हैं एसी को, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भी नॉब्स गिवन है ताकि हमें कोई किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो ड्राइविंग करते हुए, तो हम यहाँ से मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये फ़ैन स्पीड की नॉब आ जाती है, यहाँ से फ़ैन स्पीड एडजस्ट हो जाती है, और अगर आप
टेम्परेचर एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी ये है कि डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है इसके अंदर मौजूद, और इसके अंदर जो कस्टमाइजेबल ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि हम इसको सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं, और इसके अलावा रियर सीट्स की अगर हम सेम टेम्परेचर रखना चाहते हैं तो हम फ्रंट के साथ भी उसको सेट कर सकते हैं, अगर हम नहीं रखना चाहते डिफरेंट एडजस्ट करना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं। तो काफ़ी एक कस्टमाइजेबल ऑप्शन है और बड़ा रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे हमारे पास ऑटो का भी फीचर मौजूद है, और अगर इसके ऊपर वाली साइड पे देखें तो लेन डिपार्चर का हमारे पास जो अडैस इसका ऑटोनोमस ड्राइविंग है उसका लेन डिपार्चर का फीचर भी है, जिसको हम एक सिंगल टच के साथ उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऊपर ये नॉब्स कुछ गिवन है। नॉब्स में सबसे पहली जो नॉब है वो हमारे पास ये है कि हम जो हमारे पास इंफोटेनमेंट है उसको हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंफोटेनमेंट क्लोज हो जाता है। एक जो वॉलपेपर हमारे पास आता है वो सिर्फ एक उसके ऊपर क्लॉक है और डिजिटली उसके ऊपर टाइम गिवन है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम के अप एंड डाउन कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास हेजर्ड लाइट्स की बटन है, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये होम बटन है जो कि इंफोटेनमेंट का हमारे होम स्क्रीन पर हमें ले जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 360 डिग्री पैनोरामिक कैमरा मौजूद है। इसको अब हमने क्लिक किया, हमारे पास ये पूरी ओवरऑल एक लुक आ गई है। ये ऊपर से हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं कि पूरी 360 डिग्री हमारे पास व्यू आ गया, और इस वक्त ये 2D व्यू है, और अगर इसी तरह इसको हम 3D व्यू पे भी शिफ्ट करना चाहें तो हम इजीली इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास 3D व्यू आ गया। अगर हम फ्रंट कैमरा को देखना चाहें तो हमारे पास फ्रंट कैमरा की भी ऑप्शन मौजूद है, और इसी तरह रियर कैमरा भी देखना चाहें तो एक काफ़ी वाइडर लुक के अंदर हमें प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद सबसे इसका जो नोटिसेबल फीचर है, इसके जो एसी वेंट्स हैं बहुत ही एक प्रीमियम इसको फील देते हैं। सिल्वर इसके ऊपर लाइनिंग है, और इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया आपको एक प्रीमियम फील आती है। यहाँ पे छोटी सी एक टेगो की बैजिंग भी दी हुई है, काफ़ी हिडन सी है, और उसके अलावा यहाँ पे लेदर का एक टच दिया गया जो कि इसको काफ़ी एक डिफरेंट सी लुक देता है और बड़ी अच्छी वेलकमिंग फील देता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ऊपर सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट प्लास्टिक है, और जो हमारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके ऊपर भी सॉफ्ट प्लास्टिक है। और अगर ये साइड पे आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हमारे पास ट्विटर्स गिवन है जो कि सोनी के हैं, और इसी के साथ साथ अगर ओवरऑल गाड़ी में देखें तो टोटल हमारे पास 8 स्पीकर्स मौजूद हैं जो कि काफ़ी सराउंड साउंड हमें प्रोवाइड करते हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट भी प्रोवाइड की गई है जो डिफरेंट मल्टाई कलर्स में है। टोटल अगर हम इसके इंफोटेनमेंट में देखेंगे तो टोटल 7 कलर्स हैं जो कि हम चूज़ कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूसली हम ऑन भी रख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गिवन है, और अगर हम इसको सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं म्यूज़िक के साथ वो भी हम कर सकते हैं कि आप म्यूज़िक प्ले करें तो ऑटोमेटिकली आपकी एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो ऑन हो जाए। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप ये देखें जो हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी कर लिया है, जो हमारे पास ये लेदर है यही हमारे पास सीट्स में भी मौजूद है, और इसकी अगर क्वालिटी देखी जाए तो बहुत ही एक प्रीमियम इसकी क्वालिटी है, और सीट्स जो हैं वो बिल्कुल बकेट शेप में है ताकि एक फर्म आपका होल्ड हो जाता है बैठ के अंदर, और ये कैमल ब्राउन कलर में है। और अगर अपनी मैं पोस्चर की बात करूं तो इसके जो हेड रेस्ट्रेंट हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल इनफ, और एविएशन स्टाइल के इसके हेड रेस्ट हैं जो कि यहाँ से एडजस्ट भी हो जाते हैं ताकि आप अपने हेड को अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, और आपकी नेक को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद हमारे पास ऊपर वाले हम अगर हिस्से में आएँ तो सबसे पहले हमारे पास ये रियर व्यू मिरर है जो कि एंटी ग्लेयर है, ऑटोमेटिकली रात के टाइम डिम हो जाता है ताकि बैक से आने वाली गाड़ियों की आपको आंखों में लाइटें ना पड़ें और आपकी जो विजिबिलिटी है फ्रंट पे वो ख़राब ना हो। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास रीडिंग लैंप्स है, ये ड्राइवर साइड का है, यहाँ पर हमारे पास पैसेंजर साइड का भी प्रोवाइडेड है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो मज़ीद कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास पैनोरामिक सनरूफ का है, और ये क्लोजिंग के लिए अगर हम देखें तो ऑटोमेटिकली इसकी क्लोजिंग है। इसी तरह ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाता है, और इसी तरह हम इसको ऑटोमेटिकली ओपन भी कर सकते हैं। सनरूफ का भी अगर आप देखें तो ऑटो कंट्रोल्ड है और इजीली ओपन हो जाता है। और सनरूफ इसका जो पैनोरामिक है बहुत ही आपको एक अंदर दिन के टाइम बड़ी अच्छी फील देता है कि ऊपर से आपके ऊपर डे लाइट आती है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड फील अबाउट इट। और उसके अलावा अगर पैनोरामिक की खाली बात करें
तो इस गाड़ी के अंदर एक फीचर गिवन है जो कि वॉइस कमांड का फीचर है, और उसके ज़रिए भी हम ये सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से वॉइस रिकग्निशन इसकी जो है इसको ऑपरेट करता हूँ, ओपन द सनरूफ, ये आप देख सकते हैं कि वॉइस कमांड इसका जो फीचर है ऑटोमेटिकली इसका सनरूफ ओपन हो गया, और इसी तरह अब हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं वॉइस रिकग्निशन के थ्रू ही। Yes, I'm here. Close the sunroof. Closing the sunroof. और ये voice command खाली इसके sunroof में नहीं है, बल्कि और भी different functions है जिसके जरिए आप power इसके windows भी open कर सकते हैं और बाकी features भी आप just बोल के आप उसको operate कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो सन वाइजर्स मौजूद हैं इसको अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे हमारे पास वैनिटी मिरर भी गिवन है, और यहाँ पे एक हमारे पास लाइट भी मौजूद है, और उसकी फंक्शनैलिटी इसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है। अगर आप मिरर को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाती है, इसको आप क्लोज करेंगे तो बंद हो जाती है। उसके बाद इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर अगर हम आएँ तो टोटल ये 12.3 इंचेस TFT LCD में प्रोवाइडेड है, और इसके अंदर सबसे पहले जो नोटिसेबल चीज़ है कि इसका जो ब्लू कलर है वो हम चेंज भी हो जाता है। बेसिकली जो ब्लू कलर है दैट इज़ अ ड्राइविंग मोड एंड विच इज़ फॉर द नॉर्मल ड्राइविंग मोड। यहाँ से इसके मोड्स एडजस्ट हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो हमारे पास ये स्पोर्ट्स मोड आ गया है जिसके रेड आ गया है। उसके बाद इसी तरह इसको अगर मैं मज़ीद क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इको मोड आ जाता है। तो टोटल हमारे पास ड्राइविंग मोड्स एक नॉर्मल है, एक स्पोर्ट्स है और इको है। तीनों में डिफरेंसेस क्या है, नॉर्मल में आपके नॉर्मल RPMs पे गाड़ी चलेगी, स्पोर्ट्स के अगर जाएंगे आप तो उसके अंदर हाई RPMs पे चलेगी, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ आपको ये करना पड़ेगा कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो काफ़ी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। और इको के अंदर अगर आप बिल्कुल क्रूज़ करना चाह रहे हैं तो क्रूज़ करते हुए आप बिल्कुल ईजी पैडल के साथ चला सकते हैं, और इको मोड पर आपके पास सबसे बेहतर फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी। उसके बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि इस वक्त हम पार्किंग में मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी गियर नॉब है पार्किंग पे है। हमारे पास बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास ऑडोमीटर है, उसके अलावा अगर हमारे पास कोई डोर ओपन हो तो उसकी भी इंडिकेशन आ जाती है। जिस तरह अभी बैक साइड पे एक डोर ओपन है तो उसकी इंडिकेशन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ये नोटिसेबल इसके अंदर सीट बेल्ट्स हैं कि कौन कौन सी सीट बेल्ट्स इस वक्त ऑपरेटेड नहीं है। तो इसके अंदर अगर मैं ये अपनी सीट बेल्ट ऑपरेट करता हूँ तो एक लाइट इसके अंदर ऑफ हो गई है। इसी तरह सेकंड रो की भी अगर आप सीट बेल्ट्स एंगेज्ड होंगी तो उसी तरह वो भी ऑफ हो जाएंगी। इसके लेफ्ट साइड पे आपकी फ्यूल गेज है जो कि एक बड़ी कन्वेंशनल प्रोवाइडेड है, और इसी के साथ आपकी जो हीट की यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके ऊपर आपके पास ट्रिप की इंफॉर्मेशन आ जाती है, कितने लीटर पर 100 किलोमीटर है, और उसी तरह यहाँ पर हमारे पास डेट और टाइम भी मौजूद है। और इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो यहाँ पे स्टेयरिंग के अंदर ही मौजूद हैं जिनको आप यहाँ से ऑपरेट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ड्राइविंग का उसका पूरा एक एंगल उसने प्रोवाइड कर दिया है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास TPMS है जो कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन से हमारे टायर में कितना प्रेशर है, और अगर कहीं पे किसी टायर में स्टैंडर्ड से कम प्रेशर होगा तो ऑटोमेटिकली हमें वो इंडिकेट कर देगी गाड़ी। अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 10.25 इंचेस फ्लोटिंग इसका HD डिस्प्ले है जो कि हाई डेफिनेशन है, और इसके पास ये हमारे पास जो इंटरफेस आ रहा है ये हमारे पास होम स्क्रीन का है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों की कनेक्टिविटी मौजूद है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे मैनुअल भी मौजूद है, अगर हम गाड़ी का मैनुअल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास ओपन हो सकता है ओनर्स मैनुअल। उसके अलावा हमारे पास मीडिया कंट्रोल्स हैं इसके अंदर जिसके अंदर हमारे पास रेडियो कनेक्टिविटी है, यहाँ से आप म्यूज़िक पर भी शिफ्ट हो सकते हैं जो कि आप USB और ब्लूटूथ दोनों कनेक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास पिक्चर की ऑप्शन है, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे वीडियो की ऑप्शन है अगर आप USB कनेक्ट करके कोई भी वीडियो प्ले करना चाहते हैं तो यू कैन इजीली डू इट। उसके अलावा जो हमारी इसी में सेटिंग्स हैं वो हम डिफरेंट सेटिंग्स यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने लिहाज से, जिसमें वॉल्यूम हो गया, लाउडनेस हो गई, की साउंड हो गई। इसी तरह हमारे पास डिस्प्ले आ जाता है, डिस्प्ले के ऊपर हमारे पास स्क्रीन स्विच है, स्क्रीन की हम ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। इस वक्त ऑटो पे है, इसको हम डे पे भी कर सकते हैं, थोड़ी मज़ीद ब्राइट हो गई है, नाइट पे करेंगे तो थोड़ी डिम हो जाएगी ताकि आंखों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पे डिफरेंट थीम्स मौजूद हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये ब्लू है, इसके अंदर हमारे पास तीन किस्म के थीम्स मौजूद हैं। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा ये पूरा इंफोटेनमेंट का थीम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बस,
ये अब आप देख सकते हैं थीम बिल्कुल इसका चेंज हो चुका है, जो कि रेड में शिफ्ट हो गया। तो ये सब्जेक्टिव टू आपके बिहेवियर है, कोई भी आप चेंज इसमें से कर सकते हैं। वापस हम उन्हीं सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस मज़ीद मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बाकी भी साउंड की ऑप्शंस मौजूद हैं। डिस्प्ले के अंदर हमारे पास थीम था, वॉलपेपर भी हम इसी तरह चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम इजीली कवर कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं गाड़ी को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली। अब वापस मेन्यू पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास फ़ोन कनेक्टिविटी है, फ़ोन कनेक्टिविटी की है, फ़ोन ईजिली यहाँ से कनेक्ट हो सकता है। और उसके अलावा सेटिंग्स में जाएँ तो हमारे पास वही सारी थीम्स और वॉलपेपर्स और एवरीथिंग हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक मेंशन करना ये है कि बड़ा रिस्पॉन्सिव इसकी टच स्क्रीन है, कोई फ़िलहाल इसके अंदर कोई लैग नहीं फील हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है व्हीकल सेटिंग्स। व्हीकल सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाएँ तो इसके अंदर सारी आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं, चाहे वो सेफ्टी के मुतल्लिक हैं, चाहे गाड़ी की लाइटिंग के मुतल्लिक हैं, चाहे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है या चाहे आपका एसी है। काफ़ी सारे फीचर्स को आप ये टॉगल स्विचेस से ऑन एंड ऑफ इजीली कर सकते हैं। इंटेलिजेंट की के अंदर आप ईजी एंट्री ऑन ऑफ कर सकते हैं, इंटेलिजेंट की है। इसी तरह बाकी भी कंट्रोल्स हैं जिनको आप टर्न ऑफ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। क्लस्टर के अगर अंदर हम जाएं तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, डेट और टाइम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर विजिबल है। क्लस्टर की जो बैक लाइट है रात के टाइम हम उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये मैं कम करूँगा तो हमारी स्क्रीन डिम हो गई है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इसी तरह हमारे पास लाइटिंग की ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हमारे पास DRLs हैं कि DRLs डे टाइम रनिंग लैम्प्स हम ऑफ भी कर सकते हैं ये टॉगल स्विच से। इसी तरह इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट जो कि ADAS का एक फीचर है उसको भी हम ऑफ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और जो हेडलैम्प्स का ऑटो लाइट फंक्शन है उसको भी ऑफ कर सकते हैं। एम्बिएंट लैम्प के अंदर हमारे पास ये सारी उसकी यहाँ पे फीचर्स मौजूद हैं, उसको हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो एम्बिएंट लाइटिंग है हमारी इस पैनल से चलती है और हमारे डोर्स के अंदर, इसी तरह पैसेंजर और इसी तरह ड्राइवर साइड पर आती है। यहाँ पर हमारे पास इसके कलर सिलेक्शन की ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल इसके 7 कलर्स हैं। इस वक्त ये ब्लू कलर के अंदर है, अभी मैं चेंज करूँगा, ये हमने चेंज किया तो आप देख सकते हैं कि ये पिंक हो गया। इसी तरह डिफरेंट इसके अंदर कलर्स हैं, लाइट ब्लू है, ये ग्रीन में चेंज हो गया, इसी तरह येलो में है, ऑरेंज में कर सकते हैं और रेड में कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है, म्यूज़िकल रिदम है, म्यूज़िक के अकॉर्डिंगली हम उसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफ़ कर सकते हैं, और इस तरह की तमाम फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम एसी के अंदर देखें तो ऑटो डिफॉगिंग, कैबिन सेल्फ क्लीनिंग, कैबिन एक्टिव वेंटिलेशन, तमाम फीचर्स हम इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और एसी का जो ब्राइटनेस लेवल है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जो सेफ्टी के फीचर्स हैं वो यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंसी के लिए, ताकि अगर हम उसको नहीं ऑपरेट करना चाह रहे हैं, हम बहुत ट्रैफिक में मूव कर रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को ऑफ करके ईजिली मैनूवर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बेसिक इन्फो आ जाती है गाड़ी की, और ये इसका ओवरऑल इसकी फील है। फील इसकी बहुत कंफर्टेबल है, बड़ा रिस्पॉन्सिव है, कोई इसमें एज सच, जैसे मैंने हैविंग सेड दैट कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर काफ़ी इजी मैनूवरेबिलिटी है। इस गाड़ी का जो सेंटर कंसोल है ये दो पार्ट्स में है, अगर ये एक फ्रंट पार्ट है और इसी के नीचे एक पार्ट है जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन भी मौजूद है, और एक अदद यहाँ पर नीचे ही 12 वोल्ट की पावर सॉकेट मिल जाती है जिसे आप चार्जिंग या सिगरेट लाइटर ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दिस कार इज़ लोडेड विद सेफ्टी फीचर्स एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर्स। सबसे पहले तो इसके अंदर 6 एयरबैग्स प्रोवाइडेड हैं, जो कि एक ड्राइवर, एक पैसेंजर, दो साइड्स पे और दो कर्टन्स के एयरबैग्स हैं। उसके अलावा अगर बाकी फ़ीचर्स की बात करें सेफ्टी फ़ीचर्स की, तो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम है, EBD है, ब्रेक असिस्ट आपको मिल जाता है, ब्रेक ओवरराइड सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है, उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल भी गिवन है, उसके अलावा इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट भी इसके अंदर आता है, और उसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ये भी तमाम फीचर्स जो आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में स्पेसिफिकली यूज़फुल होते हैं वो भी इसके अंदर मिल जाते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा जो इसके अंदर एक एडिशनल सेफ्टी की एक एलिमेंट उन्होंने दिया है, दैट इज़ ADAS ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम है, और उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइडेड हैं जिसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है उसके अंदर ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन आ जाती है, उसमें इंटेलिजेंट हाई बीम कंट्रोल है,
उसके अलावा फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, कोई चीज़ आपके आगे आए तो आपके वार्निंग यहाँ पे इंडिकेट कर देता है, कोई चीज़ आपकी प्रॉक्सिमिटी में हो, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है इसके अंदर, उसके अलावा लेन डिपार्चर वार्निंग भी इसके अंदर मौजूद है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट इज़ अ रियली गुड पैकेज ऑफ सेफ्टी एंड लग्जरी ऑल टुगेदर। इसके फ्रंट पे अगर इसके हुड के ऊपर आएँ तो सबसे पहले हुड के ऊपर जो हमारे पास वाइपर्स हैं, दोज आर बोनलेस वाइपर्स, और रेन सेंसिंग का फीचर भी उसके अंदर मौजूद है। और ये हमारे पास जो इसका हुड है ये ऑटोमेटिक ओपन होता है जो कि हाइड्रोलिक फंक्शंस के साथ ऑपरेटेड है। और सबसे पहले इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो टोटली आपका जो इंजन है दैट इज़ ओवरऑल कवर्ड विद प्लास्टिक मटेरियल, और जिसके अंदर डिफरेंट ओपनिंग्स हैं। अगर आप देख सकें यहाँ पे हमारे पास एक ओपनिंग यहाँ पे हमारे पास मिल जाती है, यहाँ पे आपके पास विंडशील्ड वाइपर्स के वाटर के लिए ओपनिंग है, यहाँ पे आपके पास इंजन के लिए ओपनिंग मिल जाती है, और इसी तरह यहाँ पे आपके पास बैटरी के लिए एक ओपनर है। ओवरऑल यहाँ पे साउंड डैम्पिंग के लिए उन्होंने ये पूरी शीट प्रोवाइड की है, और इसी तरह एक यहाँ पे भी शीट है जो कि नॉइज़ को भी रिड्यूस करती है और साउंड डैम्पिंग भी करती है। और अगर इसके फाइनली इंजन की बात करें तो इट कम्स विद 1.6 टर्बो इंजन विच प्रोड्यूसेज 195 हॉर्स पावर एंड 290 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि पावर टू वेट रेशो के हिसाब से बहुत ही एक अच्छा फिगर है इस गाड़ी के अकॉर्डिंगली। और अब हम इसके हुड को बंद करते हैं। फाइनली अगर इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करें तो हम ये देखते हैं कि इट इज़ अ वेरी गुड कार, बड़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है अभी तक जो हमने देखी है। उसके अलावा अगर इसकी मार्केट में कंपेटिटर्स की बात करें तो इसके डिफरेंट कंपेटिटर्स हैं मार्केट में। अगर सबसे पहले हम देखें अगर रिसेंटली लॉन्च में तो चिंगान की ओशान X7 है जो कि 5 सीटर और 7 सीटर दोनों में आती है, उसकी ये कंपेटिटर है। और अगर इसकी डायमेंशंस वाइज भी देखा जाए तो बोथ आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन डायमेंशंस एज वेल। और दूसरा इसका कंपेटिटर जो मार्केट में है दैट इज़ किया सोरेंटो जो कि एक 7 सीटर है ऑलरेडी, और फॉर्चूनर का भी आपका जो 4x2 गैसोलीन वेरियंट है वो भी इसका कंपेटिटर है मार्केट में। और अगर इसकी प्राइस की हम बात करें तो क्योंकि एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है चेरी ने टिगो 8 प्रो का, तो दिस वेरिएंट इज़ प्राइस्ड एट 65,99,000 विच इज़ ऑलमोस्ट 66 लाख। उम्मीद है आपको हमारी फर्स्ट लुक रिव्यू वीडियो बहुत पसंद आई होगी चेरी टिगो 8 प्रो के बारे में। और अगर आप मजीद वीडियोज़ इस तरह की देखना चाहते हैं तो काइंडली फॉलो आवर फेसबुक चैनल एंड इंस्टाग्राम एज वेल। और इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।